ओम क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों बैठा है? अरे विशाल भैया क्या बताऊं, कल फाइनल मैच है और अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर आएंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं रन कैसे मारूंगा उनके सामने। अरे यार ओम इतना क्यों सोच रहा है, मैच ही तो खेलना है। आपको क्या बताऊं, पिछले कुछ मैचों से रन ही नहीं आ रहे हैं और शायद कल भी रन ना है। ट्यूबल पे आएंगे ना? हाँ रिकवरी हो जाएगी। और कल तो तेरा मैच है यार ओम बता रहा था। तो क्या हुआ, फाइनली तो है, 100% देंगे अपना। पर मैंने सुना है दूसरी टीम में बड़े फास्ट बॉलर भी है। हाँ भैया अच्छी बात तो है, फास्ट बॉलर है तो, और भैया आगे जाके भी तो मेरे को तेज बॉलर मिलेंगे और यहीं से स्टार्ट करूंगा तो आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंग्रेचुलेशन गाइस, आज हम फाइनल जीत चुके हैं। आज हम बात करते हैं सबकी परफॉर्मेंस के बारे में। ओम आज कितने रन है आपके? भैया आज भी खाता नहीं खुल पाया। उसका तो मुझे कल ही पता चल गया था कि तेरी आज जीरो आने वाली है। भाई जब तेरा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस ही जीरो है, जब तू सोच ही नहीं सकता मैं कल रन बनाऊंगा, बड़े बॉलर के रन बनाऊंगा, तो फिर कैसे तू मैच में रन बना सकता है? यही सबसे बड़ा कारण है, आप इतने बड़े मैच में रन नहीं कर पाते हो। और यही चीज आप अमन से सीख सकते हो। अमन आपके कितने रन है आज? सर 118 नॉट आउट। अमन के कॉन्फिडेंस नहीं कल बता रहे थे कि आज वो रन बनाने वाला है, इसलिए मैच से पहले और मैच के बाद भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां में लो नहीं होना है, तो मैच में तो ऑटोमेटिकली रन आने स्टार्ट हो जाए।